योगी आदित्यनाथ के बराबर किसी राज्य का प्रशासन नहीं, किसी राज्य की अच्छी सरकार नहीं। अच्छा आप कह रहे उत्तर प्रदेश सब कुछ ठीक चल रहा है, कोविड में इतने लोग मर गए, ऑक्सीजन की कमी से ब्रजेश पाठक जी कहते सब कुछ ठीक चल रहा है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। कोर्ट का 150 करोड़ की आबादी है देश की, अगर उन्हें 15 लाख का कोर्ट सूट पहने तो क्या होगा हमारे देश का, जिसकी 150 करोड़ की आबादी वो नहीं पहनेगा तो कौन पहनेगा? समझाओ। ये वैक्सीनेशन ने तो करोड़ों, ये वैक्सीनेशन बहुत बड़ा घोटाला है, लाखों लोग मार दिए इन्होंने, करोड़ों लोग। टप वरमाला पहनाई और उधर दोस्तों फिर से अनभक्त के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। अनभक्त का कहना है कि मोदी जी होते हुए कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। साथ ही साथ अनभक्त का कहना है कि हमारे देश की 150 करोड़ आबादी है तो मोदी जी 15 लाख का कोट पहन लिया तो क्या हो गया, जिसके बाद अनभक्त का बुरी तरह से कुटाई हो गया। का 150 करोड़ की आबादी है देश की, अगर उन्हें 15 लाख का कोट सूट पहने तो क्या होगा हमारे देश का, जिसकी 150 करोड़ की आबादी वो नहीं पहनेगा तो कौन पहनेगा? समझाओ। क्या कोट पैंट क्या ये है, 1 करोड़ का पहन रहे, 1 करोड़ रुपए कहीं लगाए उन्होंने, जनता ने लगाया कहीं, किसी जनता को दिए? ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे वो देश के काम के लिए घूम रहे हैं, विदेश नीति कितनी अच्छी हो गई है, विदेश नीति हर न्यूज पे देखो, पूरे दूसरे देश के दो आस पे एशिया में यूरोप में कहीं भी कंट्री में देखो मोदी मोदी हो रहा है। कुछ लोगों का दर्द है वो हमेशा रहेगा, आज भी रहेगा पहले भी था, कुछ लोगों का दर्द है वो हमेशा रहेगा आज भी रहेगा पहले भी था। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, वो गरीबों में लगाए तो उसे माना जाए कि हाँ वो देखते हैं अर्थव्यवस्था, कहाँ से देख रहे हैं वो, तो अपने घूमने में फुर्सत नहीं है, उन्हें अपने फैशन में फुर्सत नहीं है, जब तक उत्तर प्रदेश में योगी है कोई ख्वाब भूल जाए कि उत्तर प्रदेश जीत पाएगा, और जब तक देश में मोदी है कोई ख्वाब भूल जाए कि कभी प्रधानमंत्री बनेगा। बुरा नहीं मानना सर, नहीं जब तक उत्तर प्रदेश में योगी है कोई ख्वाब भूल जाए कि उत्तर प्रदेश जीत पाएगा, और जब तक देश में मोदी है कोई ख्वाब भूल जाए कि कभी प्रधानमंत्री बनेगा। बुरा नहीं मानना सर, नहीं मीडिया वालों को और मोदी जी का कुछ भी नहीं दिख रहा है और सबका दिख रहा है, मोदी जी का नहीं दिख रहा है और सबका दिख रहा है। बात तो सही है। ये दिखाई देता ना कि मोदी जी गलत है, मोदी जी गलत नहीं है, ये सिर्फ राजनीति इनकी रोटियां गलत हैं। अब्बू आ रहे हैं। मोदी जी ने 70 साल में 70 रुपया किलो सरसों का तेल था, आज 8 साल में 220 रुपया किलो तेल हो गया, ये काम तो किया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कह रहे डर का माहौल बना दिया है, डर के नाम पे ही वोट ले जाते हैं। हम तो देखो भाई, हम तो सीधे अल्लाह से डरते हैं, उसके अलावा हम किसी से नहीं डरते। जाता हूँ लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के बराबर किसी राज्य का प्रशासन नहीं, किसी राज्य की अच्छी सरकार नहीं। चड्ढा समझाओ इसे। आप कह रहे उत्तर प्रदेश सब कुछ ठीक चल रहा है, कोविड में इतने लोग मर गए, ऑक्सीजन की कमी से ब्रजेश पाठक जी कहते सब कुछ ठीक चल रहा है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों फिर से एक बार पंडित का बुरी तरह से पिटाई हो गया। दरअसल पंडित पूजा के बहाने से महिला के कपड़े उतार कर तेल लगाया और उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ। यहाँ पर महिला कह रही है कि पंडित जी कहा ऊपर के कपड़े उठाओ फिर सीने पे तेल लगाओ, उसके बाद नीचे फिर पीछे तेल लगाया, फिर क्या था, फिर पंडित जी के धुलाई हो गया महिला के दौरान। यहाँ खड़ी होती हूँ, दोस्तों रामदेव का कहना है कि कोरोना का जो वैक्सीन हुआ है वो घोटाला है, कोरोना के वैक्सीन के वजह से करोड़ों लोग जान गवाया है। वैक्सीनेशन बहुत बड़ा घोटाला है, जरूरी था या नहीं था, और उसके बाद कितने लोगों को हार्ट अटैक से डेथ हुई, लाखों लोग मार दिए इन्होंने, करोड़ों लोग, जितने कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक से मरे, और ऐसे मरे टपा टप वरमाला पहनाई और ये हुआ वरमाला पहनाते वही मर गए, जबकि सारे कोई बीमारी नहीं थी, ना हार्ट में ब्लॉकेज थे ना और कुछ था, कोई स्विमिंग पूल से वापस नहीं लौटे, कोई दौड़ते दौड़ते मर गए, बच्चे क्रिकेट खेलते खेलते खिलाड़ी, कोई पुलिस की कोई फौज की भर्ती में गया वहीं दौड़ते दौड़ते वहीं मर गया, ये वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक हो रहा है, वैक्सीनेशन के बाद आंखें चली गई, वैक्सीनेशन के बाद लोगों के कान खराब हो गए, वैक्सीनेशन के बाद शुगर हो गई, वैक्सीनेशन के बाद पैरालिसिस हुआ है, वैक्सीनेशन के बाद सफेद दाग हुए हैं, वैक्सीनेशन के बाद लोगों को
अर्थराइटिस हुआ है, और जिनके लिवर किडनी फेलियर और कैंसर था, कैंसर रिकरेंस हुआ है, जिनको मैंने लिवर किडनी ठीक कर दिया था वैक्सीनेशन करा के फिर दोबारा खराब करा लिया, ऐसे कितने उपद्रव हैं। तो तूने तो थोड़ा ही उपद्रव देखा है, कोई नहीं ठीक कर देगा। दोस्तों सोशल मीडिया पर आप भी देखा होगा, अंधभक्त हमेशा कहता है कि इस्लाम तलवार के बल से फैला है, लेकिन कादिर खान आज सारे अंधभक्त को जवाब दिया कि इस्लाम दुनिया में कैसे फैला है। लोग समझते हैं कि इस्लाम टेररिज्म का मजहब है, दुनिया में जंग व जदल की बातें करता है। नहीं सर, जिन लोगों ने भी ये कहा है, लोगों को जवाब देना तक नहीं आता भाइयों कि इस्लाम जो है वो तलवार से फैला है। यकीनन तलवार से फैला है, मगर सर तलवार कौन सी पोजीशन में थी ये देख लीजिए। आप मुझ पर हमला कर रहे थे, मैं तलवार सिर्फ तलवार रोक रहा था, तो तलवार की वार को तलवार से रोका। इस्लाम ने तलवार से मजहब को फैलाया, लेकिन रोक कर रोकते थे और कहते थे कि भाई क्यों करते हो ऐसा, मोहब्बत की जबान। तो दोस्तों इन सारे मामले पर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।